तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मतलब मैं चेंजिंग रूम में चेंज क्या करने गई, तुम झांक रहे हो बाहर? अरे मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों को, जरा सा लड़की देखी नहीं बस बदतमीजी शुरू कर दी। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, समझ आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को थप्पड़ मारने की? ये क्या तमाशा लगा रखा है? सर मैं अंदर कपड़े चेंज करने गई हूँ और ये मुझे बाहर से झांक रहा है। सर ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी एक्सरसाइज खत्म हो गई थी, मेरे को भी चेंज करना था, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। मैं सिर्फ वेट कर रहा था यहाँ पे। सर ये बहुत झूठ बोल रहा है, दूसरा थप्पड़ खाएगा तब मानेगा अपनी गलती, या फिर मैं पुलिस को कॉल करूं। अरे मैम आपको पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए मैं इसे देखता हूँ। यकीन मानिए मैं इसे संभाल लूंगा, आप जाइए। आइए मैम। सर ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है मेरे भाई ये झूठ बोल रही है, मैं वहां से खड़ा सब देख रहा था, पर ये पुलिस को बुलाने वाली थी, और अगर ये पुलिस को बुला लेती ना तो पुलिस सिर्फ लड़की की सुनती है ना कि हमारी, समझा? तू जेल में होता और मेरा जिम बंद होता और मेरा करियर खराब होता, सो अलग। चल अब चल कर और घर जा, ज्यादा सोच मत इस बारे में, कल इसी टाइम आइए उसको सबक सिखाएंगे। शर्म नहीं आती क्या यहाँ पे अंदर लड़कों को चेंज करते हुए झांकती हो? तुम पागल हो क्या? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, और मैं देख चुका हूँ तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने आज फिर से? सर मैं अंदर चेंज कर रहा था और ये यहाँ बाहर खड़े होकर मेरे को अंदर झांक रही थी। तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। अरे और वैसे भी दरवाजा बंद था और ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहां से कोई देख सके अंदर। Exactly. ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां से तुम किसी को देख सको, तो इसका मतलब कल तुमने बेफालतू में ऐसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा, पर तुम खुद सोचो, तुम ऐसे ही किसी भी लड़के को थप्पड़ मार दोगी तो उसके साथ क्या हो सकता है, वो किस हालात में जा सकता है मेंटली? सच सच बताओ कल तुमने इसको थप्पड़ क्यों मारा? I'm sorry, sir, actually, कल ना मैं बहुत ज़्यादा frustrated थी। मेरी एक फ्रेंड से मेरी बहुत गंदी वाली बहस हो गई थी और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मेरे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। तब ये दिख गया मुझे और मैंने सारा गुस्सा इसके ऊपर निकाल दिया। गुस्सा आएगा तो किसी को भी थप्पड़ मार दो, कल तुमने सारा गुस्सा इस बेचारे पर उतारा, सबके सामने इसे जलील करो और थप्पड़ मारो, और तो और तुम पुलिस को बुलाने वाली थी, इसको जेल भेजती सो अलग, मेरा करियर खराब करती सो अलग, मेरा जिम बंद हो जाता, तुम्हारी एक गलती से, तुम्हारे गुस्से की वजह से। सॉरी तुमने, सॉरी मैं तुम्हें कहता हूं, अब इस जिम में तुम्हारी जैसी लड़कियों की कोई जरूरत नहीं है। सर प्लीज प्लीज